नमस्ते दोस्तों, ये चैनल अगर आप देख रहे हैं तो आपको पता ही है कि हार्ट के लिए कोई भी प्रोसीजर हो सेकंड ओपिनियन लेना ज़रूरी होता है। बट इंडिया के सबसे बड़े लंग और हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के सर्जन का भी यही सोचना है। अगर आप ये वीडियो आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सेकंड ओपिनियन का कितना इंपॉर्टेंस है इन हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट केसेस एंड फेलियर केसेस, और किन केसेस में हम सर्जरी से या बिना सर्जरी से ऐसे पेशेंट्स को बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते। वॉच दिस वीडियो फुल्ली टू अंडरस्टैंड इट बेटर। शायद आप जानते हो, मैं डॉक्टर महेश वाधवानी हूँ। आई एम फाउंडर ऑफ अ साइट कॉल्ड www.cardiacsecondopinion.com। मेरी साइट पे हम ऐसे लोगों को एडवाइस देते हैं जिनको कोई ना कोई हार्ट रिलेटेड प्रोसीजर या वस्कुलर रिलेटेड प्रोसीजर एडवाइस किया हुआ हो, और उनको ये जानना है कि वो प्रोसीजर करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, कहाँ से करवाना चाहिए, कितने में करवाना चाहिए, कहाँ क्या बेनिफिट है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि कोई और खुल के इतनी बातें करता नहीं। मेरी एक फाउंडेशन भी है जो कि बच्चों के दिल की हार्ट सर्जरी करवाने के लिए काम करती है, और इसमें हम पैसा जुटाते हैं, यूनिहील हार्ट केयर फाउंडेशन। सो अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आता हो तो प्लीज़ डोनेट टू यूनिहील हार्ट केयर फाउंडेशन बाय स्कैनिंग ऑन दिस क्यूआर कोड। वॉच द वीडियो प्लीज़। और ऐसे पेशेंट जिसको कि अब हार्ट फेलियर हो चुका है, लंग फेलियर हो चुका है, उनकी डेली ज़िंदगी बहुत ख़राब बीत रही है, ऐसे लोगों के लिए सेकंड ओपिनियन बहुत ज़रूरी होती है। सो मैं सर से पूछना चाहूँगा, व्हाट इज़ हिज ओपिनियन ऑन टेकिंग अ सेकंड ओपिनियन? बिकॉज जहाँ तक मुझे पता है, इंडिया में हार्ट फेलियर पेशेंट्स दवाइयाँ लेते 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 वेंटिलेटर पे आके हॉस्पिटल में भर्ती होते होते गुजर जाते हैं। उनको हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में या लंग ट्रांसप्लांट के बारे में बताया भी नहीं जाता है। व्हाट इज़ योर ओपिनियन? When you started, I think was very bold, and I think it is the need of the hour. 10 साल पहले, 8 से 10 साल पहले, when you started this, Mahesh, I know you probably did not know where it will go, but I can tell you, you have made such an impact with your channel, with spreading the right message, with making people aware of their health and their disease conditions. And I think there are very few that are working in this direction and doing work like you. Taking a second opinion, I think, is a fundamental right. It's a fundamental right because nobody is above the truth. And unfortunately, we live in a world, hum us duniya mein jeete hain, jahan pe you cannot believe anyone's intent. Sadly, it is very sad, but ye such hai. People can say things, they can twist the truth just to suit their purpose. And because they sit in a position of power and position of knowledge and position of authority, they are able to twist the narrative. And that responsibility lies within us as human beings to say the truth. Not all of us will have that responsibility. We have our own agendas. So, mere khayal se, having an authoritative, sensible, patient-centric voice is the need of the hour. सेकेंड ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये ज़रूर चीज़ है कि आप जिससे सेकेंड ओपिनियन लेते हैं, आप कम से कम उसको जानें, उसके बारे में उसकी पहचान करें, आप समझें कि इनकी इस फील्ड में इनका योगदान है, इनकी एक्सपर्टीज़ है, तब जाके आप उनसे पूछें। क्योंकि वही सवाल अगर हार्ट फेलियर के बारे में आपने किसी एवरेज कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन या सर्जन से पूछा, तो शायद आपको सही दिशा नहीं मिलेगी, शायद आपको एक गलत दिशा में ले जाने की संभावना बढ़ती है। तो आप अपने रिसर्च करें, आप उन्हीं लोगों से पूछें जिनको इस फील्ड में ख्याति प्राप्त है, जिनका काम है इस फील्ड में, उनसे ज़रूर पूछें, क्योंकि उनसे आपको सही जवाब मिलेगा। बिल्कुल, और ये केवल हम नहीं कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए। इनफैक्ट आई हैव डेडिकेटेड माय करियर टुवर्ड्स इट। सर भी कह रहे हैं और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, यूरोपियन कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी भी कहते हैं। सो क्लास वन ए इंडिकेशन, क्लास वन ए मतलब ये कि जो साइंस से प्रूवन है और बेस्ट ऑप्शन है। क्लास वन ए इंडिकेशन है कि आप सेकंड ओपिनियन लो। अगर स्टेंटिंग करानी है, बाईपास कराना है, लंग की कोई सर्जरी करानी है, किसी भी चीज़ की हो, हार्ट फेलियर मरीज में क्या क्या ऑप्शन है, बिकॉज आजकल हार्ट फेलियर के मरीज के लिए इतनी सारी ऑप्शंस ओपन है, दवाइयों से लेके, एडमिशन से लेके, कई सारे प्रोसीजर्स आजकल हो सकते हैं, बट हर पेशेंट के लिए अलग अलग प्रोसीजर सूटेबल होता है, एंड ओनली टेक्निकली कॉम्पिटेंट पीपल कैन टेल यू दैट, नॉट एवरीबडी कैन टेल यू दैट। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सर को मैं, इफ आई इंटरप्ट यू फॉर वन सेकंड, महेश, आई वांटेड टू आस्क यू दिस क्वेश्चन बिकॉज आई थिंक यू कैन ब्रिंग इट फॉरवर्ड टू द ऑडियंस बेटर। कई बार मैं देखता हूँ कि अगर हमने किसी पेशेंट्स के रिपोर्ट्स के बारे में, अगर हम चाहते हैं कि वो उनके रिपोर्ट्स को हम एक्सेस करें, दे कम टू मी फॉर एन ओपिनियन,
एंड आई टेल देम कैन यू गेट मी दिस सीटी स्कैन और कैन यू गेट मी दिस एमआरआई फिल्म, तो लोग बोलते हैं द हॉस्पिटल वेयर वी गॉट द टेस्ट डन दे आर अनविलिंग टू गिव अस द रिपोर्ट. सो how does the common public deal with this? How do you advise No, them? So legally nobody can hold your reports back. It is your property. It is your thing. You have paid for it also. Agar aapne jeb se nahi bhi pay kiya ho, to aapki taraf se sarkar ne pay kiya ya insurance company ne pay kiya hai. Aapko us report ki CD lene ka pura adhikar hai. Aajkal pen drive mein bhi de rahe hain log. But that is your right. Nobody can refuse it. Indian healthcare system is not a closed system. In fact, government bhi soch rahi hai is maamle mein ki ek digital platform banaya जाए जिसमें किसी भी डॉक्टर को बाकी चीजें अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो, और प्राइवेटली जो पेशेंट को बुलिंग होती है, आर्म ट्विस्टिंग होती है कि टेस्ट की रिपोर्ट ही नहीं देते हैं. अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस था जिसमें कि एंजियोग्राफी की सीडी दी ही नहीं. अब पेशेंट चाहता है पूछना मुझसे कि मैं स्टेंटिंग कराऊं नहीं कराऊं, और सीडी ही नहीं मिलेगी तो मैं उसमें क्या बता पाऊंगा. सो इंडियन गवर्नमेंट सो फार अलाउज इट कि आप किसी भी अस्पताल से वो रिपोर्ट्स ले सकते हो, ये आपका अधिकार है. बिकॉज इट इज़ अ ओपन सिस्टम. अब सर थोड़ी उस समय की बात करते हैं जो सबसे चैलेंजिंग था. कोविड का पीरियड ऐसा आया था जब मैं कॉम्पिटेंट क्वालिफाइड कार्डियक सर्जन एक महीना घर बैठा था, खाली बैठा था, हमारे पास ऑपरेशन ही नहीं थे. इनफैक्ट सो मच सो कि जब पहली वेव में तो हुआ नोबडी न्यू, उस समय वो थाली ताली सब चल रहा था, सब घर पर बैठे थे, दैट वॉज फाइन. बट आई रिमेंबर वेरी डिस्टिंक्टली जब डेल्टा वेव आई थी, और डेल्टा वेव में फिर से जब वही होने लगा तो बिफोर एयरपोर्ट्स वर शट डाउन आई हैड टेकन अ कॉल. मैंने सर को बोला था सर आजकल आप ट्रांसप्लांट्स कर रहे हो, एक्मो आपके यहाँ चल रहा है. तो इनफैक्ट एज अ डिस्क्लोजर उस समय मैं गुड़गांव से छोड़ के उस समय एयरपोर्ट जस्ट शट डाउन होने के कगार पे थे. आई रीच हेयर 15 दिन मैंने सर के साथ बिताए थे उस समय, बिकॉज उस समय पर जो एक्मो का एक्सपीरियंस था मेरे जैसे पर्सन के लिए नया था. दो इन गुड़गांव वी हैड पुट सर को भी अच्छे से याद होगा कि जो पहला एक्मो डाला था वो हमने साथ में ही डाला था. आई वॉज असिस्टिंग हिम इन दैट पीरियड. बट इतना वॉल्यूम ऑफ एक्मो वर्क और उसके बाद में ट्रांसप्लांट वर्क बहुत ही कम हो रहे थे. तो कोविड पीरियड में 2 हफ्ते के लिए जब मैं आया था, मैंने 2 लंग ट्रांसप्लांट सर को देखे थे किए हुए, और 20 से ज़्यादा एक्मो के पेशेंट्स लाइव रहते थे उस समय उनके पास में. ऐसा एक्सपीरियंस जब होता था तो हाउ डिड यू मैनेज इट एट अ पर्सनल लेवल, एट अ इमोशनल लेवल? कोविड के दौरान आपको भी कोविड हुआ या आपकी टीम मेंबर्स को भी कोविड हुआ? मल्टीपल टाइम्स. सो दैट वाज प्रोबेबली द वर्स्ट फेज ऑफ आवर करियर. वर्स्ट फेज इन द सेंस फॉर द एक्सपेक्टेशंस दैट पीपल हैड फ्रॉम अस, बिकॉज आवर सेंटर वुड हैव पेशेंट्स कम फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री. देर इज नॉट कोई ऐसी एक जगह नहीं है जहाँ से लोग एयरलिफ्ट नहीं हुए. उन 2-2.5 साल में वी took probably care of nearly 250 to 300 patients with COVID. Nearly 185 of them were on ECMO. जिनके ECMOs अपने center में डले और उनको airlift किया गया, या फिर वहाँ पर already ECMO पे थे, recover नहीं हो रहे थे और उनको यहाँ पर shift किया गया for a lung transplant. So 180 से 185 patient का मतलब ये है कि between 3 weeks to 190 days, that was the longest ECMO run. 190 days that there were patients in varying stages on life support in our hospital at our center. We lost probably 40% of them. We lost 40% of them, unfortunately, not primarily because of COVID, but because of the long-term effects of COVID and also the secondary organ damage that had happened. Aap jab jante hain ki ye sare patients ko multiple doses of steroids एंड मैनी अदर एक्सपेरिमेंटल मेडिसिंस दिए जाते थे. हमें भी पता नहीं था, दुनिया को भी पता नहीं था, किसी को नहीं पता था कि क्या कौन सी दवाई चलेगी. तो इनके इफेक्ट्स जो थे दे वेर सो सिवियर दैट पेशेंट्स वुड कम विद मल्टीपल इन्फेक्शंस इन देयर यूरिनरी ट्रैक्ट, गॉल ब्लैडर्स, एयरवेज में तो फंगस भी रहता था एंड बैक्टीरियाज भी रहते थे, अलग अलग विभिन्न प्रकार के मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज थे. तो इनमें कौन से मेडिसिन दिए जाए, कैसे उनको ट्रीट किया जाए, ये बड़ा मुश्किल था कोविड में. दूसरा प्रॉब्लम ये था कि कई लंग पेशेंट्स को उनके चेस्ट कैविटीज़ में पानी की जमावट होती थी, तो उसको जब हम डिकम्प्रेस करने जाते थे तो लंग्स ब्लीड होते थे. ब्लीड की वजह से कितने ही सारे पेशेंट्स, यू नो, ट्रांसफ्यूजन्स इतने दिए जाने के बाद वो पेशेंट्स को या तो किडनी फेलियर होता था या लिवर डैमेज होता था. सो मेनी पेशेंट्स डाइड इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स ऑफ ऑल ऑफ अस. एंड I have seen boys as young as 18 and 20 die. I have seen doctors die in our hands.
I have seen mothers lose their sons. I have seen wives lose their husbands. And it was the most traumatic experience of our lives because we were as helpless as they were. And the sad part was they came with so much of hope. So main hamesha in my career, I always remind myself of the people who I lost in my watch. Main ye kabhi nahi yaad rakhta ki how many patients got well and how many went home and how many continued to do well. They don't bother me. I don't consider that as an achievement. I think there are many factors above us as human beings that work. There are many people who contribute to one successful procedure or somebody living. I think it will be very stupid of me to believe ke isme mera koi haath hai, mera yogdaan hai. But I take great pride in getting a team to work together. I'm very grateful that I have that strength, that I can make people work together. But the most reassuring thing was usme se 16 se 18 patients aise the jo severe covid ke sath aaye the aur hum log ye soch ke hi baithe the ki shayad inko transplant ke alawa koi upay nahi hai, wo log recover hue. So that was a very uplifting moment for me and for the team, that when we saw some of them ki x-ray or ct scan itne bure the ki uske bavjood ye log recover hote. One of the most memorable was a 14 year old boy who got airlifted from Lucknow. He was a big fan of cricket and he loved Chennai Super Kings. This child was on ECMO for nearly 70 days and he was AB positive. We kept thinking that, he will need a transplant till probably the 55th or 57th day. But from the 57th or 58th day, he showed dramatic improvement in 10 days. That we came off ECMO and this child is living a normal life, So, sometimes you feel that, though you are committed to a task, aapko pata hai ki bhai isme transplant lagega aur aapne us disha mein jana hai, you don't give up trying to look at recovery. आप ये कभी ना सोचें कि नहीं बस यही होगा और हम यही करेंगे. एक मौका हमेशा हमें देना है कि विल द नेचुरल प्रोसेस ऑफ हीलिंग हेल्प रिकवर दिस पेशेंट. सो आई एम वेरी वेरी प्राउड टू से दैट दैट वी कंटिन्यू टू हैव दैट फोकस. वो बहुत ज़रूरी है बिकॉज इफ यू डोंट थिंक दैट वे देन आई थिंक यू विल बी जस्ट, आपका ऐसा हो जाता है कि आपके हाथ में हथौड़ा है एंड आपको हर जगह कील नजर आता है. सो आई डोंट वॉन्ट टू बी दैट वे. And I think that's an important lesson that I keep telling my colleagues. And this is something I learned from sir also. जो patients मुझे भी जानते हैं कि देखिए हथौड़ा उसी के हाथ में होना चाहिए जिसके पास दिमाग हो. बंदर के हाथ में हथौड़ा देंगे तो वो तो जहाँ भी होगा कील ही ठोकेगा, उसको बस एक ही चीज़ आती है. सो कई patients होते हैं जो बगैर surgery के भी निकलते हैं. अब ECMO is the most advanced life support system. अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं ECMO के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि जब ventilator से भी आप फेफड़े को चला नहीं पा रहे हैं और ऑक्सीजन सप्लाई हम खून में नहीं दे पा रहे हैं तो उसके लिए एक सिस्टम होता है जिसमें कि हमारा खून पतला किया जाता है. अब खून का थक्का नहीं बन सकता, इसीलिए ब्लीड होता है. सो खून का पतला कर देने के बाद में जब हम खून पूरे शरीर से बाहर मशीन में ले जाते हैं, इम्प्योर खून मशीन में जाता है, उसी में ही पंप लगा हुआ है और उसी में ही फेफड़े की तरह ही एक ऑक्सीजन देने की मशीन लगी हुई है, ऑक्सीजनेटर लगा हुआ है. तो हार्ट और लंग्स दोनों का काम वो मशीन करता है ECMO. और फिर वो प्योर खून जब वापस आता है तो आप हार्ट और लंग्स को पूरे तरीके से सपोर्ट कर सकते हो. तो सर के पास ऐसे केसेस 190 डेज तक भी रहे हैं और उसका लंग ट्रांसप्लांट हुआ. और सर्वाइवर्स जो कि जिन्होंने ECMO पे रहे, लगता था ट्रांसप्लांट होने वाला है और वो बगैर ट्रांसप्लांट के भी निकल गए क्योंकि हीलिंग हुई, क्योंकि बॉडी अपने आप समय के साथ हील हुई. ऐसे भी कई पेशेंट्स थे. एंड कुडोस टू यू एंड योर टीम सर, योर लीडरशिप स्किल्स आर लेजेंडरी. आई लर्न फ्रॉम यू एंड आई पर्सनली कंसिडर अ ट्रू लीडर इज द वन जिसकी टीम का मेंबर बाद में जाके खुद लीड कर सके, बिकॉज वो लीडरशिप क्वालिटीज आपने इम्पार्ट की है. एंड आई विल ऑलवेज फॉलो यू ऑन दैट फ्रंट सर. सो वी ऑल्सो हैव अ वंडरफुल टीम इन गुड़गांव एंड लीडरशिप लेसन्स के लिए सर इज लेजेंडरी.